टक्कर देने की उम्मीद कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, स्वागत है आपका। आपके साथ साथ यहाँ लखनऊ में पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम में आपके ढेरों समर्थक तो आ गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह का जोश समाजवादी पार्टी के कैंपेन में रहेगा 2022 में, या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि सपा के लिए बीजेपी को हरा पाना इस चुनाव में बहुत मुश्किल होगा? मैं इस कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को भी यहां बोलने का मौका दिया। यूपी का चुनाव है, ये देश का चुनाव होने जा रहा है और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी जनता। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है और जो काम पिछले 5 वर्षों में हुए थे, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, वो आज भी जनता को याद हैं। कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि जनता आज याद कर रही है पुराने कामों को जो समाजवादी सरकार में हुए थे। जो ये सरकार है जो आज सत्ता में है, जिसको समर्थन इतना बड़ा मिला, और आखिरकार 4.5 साल में क्या किया? सबसे बड़ा अपना संकल्प पत्र भूल गए। मुझे तो ये लगता है जैसे जैसे समय करीब आया है इन्होंने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। और जो विज्ञापन आ रहे हैं, विज्ञापनों में दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश न जाने किस चीज में नंबर वन है। हम बड़े बड़े विज्ञापन देख रहे हैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली, और दिल्ली में विज्ञापन लगे हुए हैं। और सही मायने में अगर हम देखें, क्योंकि सूची लंबी है हमारे पास, बीजेपी किस में नंबर वन पहुंच गई और उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया बीजेपी ने? आज उत्तर प्रदेश मिड डे मील में बच्चों को खाना देने में बजाय नमक रोटी खिलाने में नंबर वन है। मिड डे मील सत्यानाश कर दिया कोविड के समय पर, पता नहीं क्या हुआ। उससे पहले जो व्यवस्थाएं थी सब खत्म कर दी। आज उत्तर प्रदेश मिड डे मील में हो रही धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल डालने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश कुपोषित बच्चों की संख्या में नंबर वन। उत्तर प्रदेश गरीब बच्चों में मिड डे मील के बजट से बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश खून की कमी से मरने वाली महिलाओं की संख्या में नंबर वन। टीबी जैसी बीमारी जो खत्म हो गई बहुत सी जगह, वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर वन जिससे जान जा रही है। उत्तर प्रदेश भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में नंबर वन। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मरने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में नंबर वन। उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहाने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर वन। उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे दफन की गई लाशों को ऊपर से कफन उतारने में नंबर वन। अच्छा, ये तो आप एकदम उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने विपक्ष के नेता के तौर पे आप भाषण दे रहे हैं एक तरीके से। उत्तर प्रदेश क्या ये नहीं, पर वो आंकड़े हैं जो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और सरकार इसलिए जनता ने नहीं बनाई थी कि इन सब चीजों को भूल जाए आप। सबसे बड़ा संकल्प पत्र में जो लिखा गया है वो ये है कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। सबसे पहले पन्ने पर मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज महंगाई हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जीएसटी के कारण तमाम चीज़ें महंगी हो गई, आज किसान की आय क्या है? और अगर किसानों की आय दोगुनी करनी थी तो आखिरकार किस फसल की किसान की आय दोगुनी हो गई? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फ्लॉप रही, लेकिन अगर हम कोरोना काल को ही लेते हैं, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति खराब हुई या महाराष्ट्र और केरल में अभी भी खराब है, उसकी तुलना में, और ख़ास तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साधारण तौर पर कमज़ोर माना जाता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितने सक्रिय योगी जी खुद थे या लगातार उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से एफर्ट किया गया, उससे उत्तर प्रदेश की जितनी स्थिति खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई और काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया? जिस समय पहली वेव आई थी उस समय लॉकडाउन कैसे किया? मजदूर चलते चलते अपने घर पहुंचे, क्या सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी घर पहुंचाने तक? जिन लोगों की जान गई उनकी क्या मदद की सरकार ने?
90 से ज़्यादा मजदूर इस उत्तर प्रदेश में चलते चलते घर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब पहली वेव आई थी, क्या सबक सीखा सरकार ने? आपने एक टीम बना ली, टीम के साथ बैठ करके आप लगातार समीक्षा करते थे, और फिर जब वेव टू आई कोरोना वायरस से, कितने लोगों की जान गई। हमें दुख है इस बात का कि जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अभी भी दुख है उनके अंदर, दुख कम नहीं हुआ उनका, परेशानी है उनके अंदर। घर का सदस्य कौन चला गया और कितनी जल्दी चला गया, कौन जिम्मेदार था इसके लिए? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं थी? जो दवाइयां थी क्यों सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई? जो बिस्तर थे, बेड थे अस्पतालों में, वो क्यों नहीं करा पाए, बिस्तर उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई सरकार? और फिर ऑक्सीजन की कमी, क्या लोग अपने ऊपर छोड़ दिए गए? लोगों को छोड़ दिया गया, जाइए अपना इंतजाम खुद कर लो। क्या तस्वीरें सबने नहीं देखी कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है? ये तमाम शमशान घाटों में लगातार जलती रहे लोग, लाशें जली हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इतने इनह्यूमन और ऐसी कभी भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी होगी। जो सरकार ने काम किया, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पर ये तो 100 साल में एक बार आई आपदा है। ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में, अमेरिका जैसे देश में जहां पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहां पे भी स्थिति खराब। 100 साल में एक बार तालियों थाली बजाओगे आप? क्या आप कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? ये आप अपने 100 साल के अनुभव से नहीं सीखा आपने? जो दुनिया में चल रहा था, क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीजों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? नहीं, पर क्या आपने ठीक किया? आपने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। सवाल ये पूछा गया कि ये तो देश का टीका है, तो साइंस का टीका है, तो मेडिसिन का टीका है। अखिलेश जी, वैक्सीन को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं हर जगह पे आप? पॉलिटिक्स, आपने, आप पे आरोप लगा कि आपने लोगों में भय पैदा किया कि उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए, ये कह के कि ये सरकार का टीका है, बीजेपी का टीका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। आपने जब लैपटॉप दिया, आपने भी तो अपनी फोटो डाली थी। ये पैसा जनता का है। जब आपने लैपटॉप दिया, अगर बंगाल में ममता जी लगा रही है तो क्या गलत है? हम कहते हैं योगी जी क्यों नहीं लगा रहे तस्वीर अपनी? क्या प्रधानमंत्री जी क्यों लगा रहे तस्वीर उसमें? और जिस समय मैंने कहा था, तारीख याद होनी चाहिए आपको, केवल मैं सवाल नहीं उठा रहा था, तमाम लोग सवाल उस वैक्सीन पर उठा रहे थे। और क्या आप ये सच बताएंगे कुछ लोगों ने वो वैक्सीन लगा ली है, वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, जो अक्सर विदेश जाते थे? क्यों नहीं जा पा रहे विदेश? क्योंकि आपकी बनाई हुई वैक्सीन अभी विदेश नहीं जा सकते उसमें। जहां तक सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन पे बहस दुनिया में है। अमेरिका में तो ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगानी है, इतने डॉलर रुपए मिलेंगे। मैं तो कहता हूं उस सरकार से, तो आपने लगाई मोदी जी की वैक्सीन की नहीं लगाई? मैं ये कहता हूं सरकार, मुझे बताइए आपने मोदी जी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? जिस समय उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को लग जाएगी, उसके बाद आखिरी अगर कोई बचेगा तो मैं लगवा लूंगा। अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे और फिर बोल रहे कि नहीं, मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा? ये काम अखिलेश यादव नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, पर्दे के पीछे कुछ और, सामने कुछ और दिखाते हैं। आपके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतनी भीड़ में आप जा रहे हैं, साइकिल रैली आप कर रहे थे, लोगों के बीच में वैक्सीन नहीं लगाए, तो बहुत बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है, सरकार वालों के लिए नहीं है। सरकार तो अपने सब आयोजन कर रही है, केवल विपक्ष के लिए है। जहां तक बीमारी का सवाल है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसका हम लोग अमल करेंगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना है, खैर वो बहस अलग है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र पूरा किया है? क्या संकल्प पत्र में जो चीजें कही गई थी उनको जमीन पर उतारा है? सरकार का सबसे बड़ा काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। सरकार कहती है कि आपके राज्य की तुलना में इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, कई जो दबंग यादव लोग थे वो पुलिस स्टेशन में चले जाया करते थे, पुलिस को डराया धमकाया करते थे, उसकी तुलना में अब स्थिति बेहतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। झूठ बोलने में भी देश में अगर कोई नंबर वन है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से,
आज सरकार उनकी है, 10 टॉप माफियाओं की सूची बनाएं और उनको जारी करें जनता के सामने। आज सबसे ज्यादा माफिया किस दल में है? क्या गुंडागर्दी नहीं देखी पूरे देश ने? आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते? अगर आप नॉमिनेशन का पेपर लेकर के जाएंगे तो आपके हाथ से छीन लेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, किसने नहीं देखा? एक बहन जा रही थी नॉमिनेशन के लिए, उसका पर्चा छीन लिया आपने, कपड़े फाड़ दिए, साड़ी छीन ली। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, क्योंकि चुनाव हार गए थे। जहां पर सदस्य 2 जीते, 3 जीते, जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिरा दिए बुलडोजर से। आपके सदस्य जीते 2 क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने DMSP को लगा दिया, कानून बना करके कहिए इनके घर तोड़िए, बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया आपने। नहीं तो ये मैं बात ये नहीं कर रहा, ये जो नई संस्कृति आई है बुलडोजर वाली, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे कुछ बने होंगे घर जो गैर कानूनी होंगे। और हमारे यहाँ नक्शा कोई नहीं पास करा था, गांव में बताओ किसका नक्शा पास है, किसका नक्शा पास है? आप लखनऊ में देख लीजिए, सूची बनी हुई LDA की, LDA इस होटल के बगल में है। आज तक सूची जो जारी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सूची पे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? बिल्डिंगें क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? तो आप कह रहे हैं कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है भाजपाइयों का, अगर आपकी सरकार बनी तो बुलडोजर मेरा नहीं बनेगा। मैं ये कहता हूँ LDA में जो सूची बनी हुई है गैर कानूनी बिल्डिंगों की, पहले लखनऊ में क्यों नहीं तोड़ते हैं? और मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या नक्शा पास है मुख्यमंत्री आवास का? आपको पता होगा, मुझे तो पता है, नक्शा ही नहीं है उसका, जहां चाहवा बना लिया आपने। अरे हमसे पहले जो रहे उन्होंने बना लिया, वो तो गेस्ट हाउस था, शादियां होती थी वहां पर। जो मुख्यमंत्री आया जिसका जो शौक था उसने बना लिया कमरा उधर, क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया कमरा? अब वो तो सरकार में है तो कौन नक्शा पास करा लिया, वो झूठे ही। अगर हम कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करते हैं तो तस्वीर ये उभरती है कि ठीक है, कोरोना काल में जनता में कुछ नाराजगी थी, उसका असर लोकल बॉडी इलेक्शंस पर भी नजर आया, लेकिन भाजपा को भी ये लगता है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं उनको भी लगता है कि अगर BJP को हराना है तो जिस तरह की जुनूनी एफर्ट करने की जरूरत है, जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की, वो दम अखिलेश यादव में नहीं है। ये आते हैं 2 घंटे साइकिल चलाते हैं फिर अपने AC के कमरे में बंद हो जाते हैं। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड? कौन क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इनके मंत्री गए, किसानों ने घेर लिया, पूछा कि ये काले कानून कैसे वापस होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, इनकी सरकार है, किस फसल का इन्होंने 2 गुना दिया है, किस फसल को MSP खरीदा है? गेहूं बता दें खरीदा हो, धान बताएं खरीदा हो, आलू खरीद की हो तो बता दें। और भूल जाइए किसानों की बिजली कैसे महंगी कर दी, इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मैंने तो आज तक मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुना उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने 1 बिजली का प्लांट नहीं लगाया। और बिजली का प्लांट नहीं लगाया, बिजली महंगी कर दी, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? पर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30-11 बजे तक काम करते हैं, उसकी तुलना में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 2400 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन, आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो? वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ पलंग में सोते सोते। देखिए आप अभी बोल रहे हैं, देखिए सीरियस पॉलिटिशियन होना चाहिए, आप बोल रहे हैं 3:30 बजे जगते हैं, वो वाकई में उनका सुबह सुबह का एकदम नहीं, मेरा भी यही है टाइम टेबल, ये मत समझिए, यही टाइम टेबल है। और देखिए समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाई है, क्या कल सड़कों पर साइकिल नहीं थी? आज सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे किस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगे,
कौन नहीं जानता आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर किसी गलत काम में फंस गया था नोएडा में, एक डीजीपी ने कहा कि तुम अगर ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे पैसे लेने का, लेन देन का, ट्रांसफर के लिए आरोप लगाया, कौन नहीं जानता इस बात को। एक आईएएस को कहा कि तुम क्योंकि दूसरे कैडर के हो, अगर उत्तर प्रदेश में रहना तो मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगा दो। क्या नहीं लगाए झूठे मुकदमे? ये सरकार ऐसे चलेगी? झूठे मुकदमे लगाने में, लोगों को फंसाने में, लोगों को अपमानित करने में कितने बड़े पैमाने पे झूठे मुकदमे लगे हैं। दिनेश शर्मा, कौन है जिम्मेदार? दिनेश शर्मा जी सुबह सुबह आए थे, उन्होंने कहा कि चुनाव की स्थिति यह है कि सबसे आगे बीजेपी है, पीछे हम लोग देखते हैं, दूर ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी हैं या बहन जी हैं, नंबर टू और थ्री की लड़ाई चल रही है। सुनिए, मैं तो एक बात जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं दिनेश शर्मा जी को लखनऊ में मेयर रहे तब से जानता हूँ मैं, और पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। ये क्यों नहीं बताते कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ? वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो नहीं देख रहे अपना सपना, दूसरे की चिंता है, वो बहुत पीछे हैं। अपना सपना कब पूरा करोगे ये बता दो हमें। उनका सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो तो सभी का रहता है, आप भी सोच रहे होंगे। एक और थे मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो स्टूल पे बैठते थे, क्या पिछड़ों को हक दिलाएंगे? क्या पिछड़ों को हक मिल गया? आपने जोड़ लिया ये क्योंकि नाराज हैं, इनको मंत्री बना दीजिए, इस जाति के हैं तो इन्हें मंत्री बना दीजिए, एक जाति और नाराज है उसको मंत्री बना दीजिए। क्या पढ़ा लिखा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी नहीं जानता कि क्या धोखा हुआ उनके साथ? तो आप भी तो अभी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी तो ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन निकाल रहे हैं, बताइए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन अलग तरीके का है, आप समझ ही नहीं पाए। हमारा ब्राह्मण सम्मेलन यह है कि समाज को एक करके कैसे आगे चलें और सबका सम्मान कैसे आगे हो, इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? नहीं, पर आपको लगता है कि जो ब्राह्मण समाज में नाराजगी है उसका कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? क्योंकि साधारण तौर पे वोट उनका करीब 78-80% 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी के पास ही गया है। जिन इस बार किसान मजदूर नौजवान तैयार है सरकार को हटाने के लिए, सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी है यहाँ पर, अपमानित किया है, कितनी नौकरियाँ हैं जो दे सकते थे, वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरी दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, विपक्ष ने कहा सूची दीजिए किन को आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया, बताइए वो एमओयू ज़मीन पर है कि नहीं है, कितना ज़मीन पर पहुँचा है? केवल झूठ बोलना इस सरकार का काम है। अगर आपके वोट बैंक को लेते हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं, पहले अगर हम मुस्लिम वोट को लेते हैं तो वहाँ पे ओवैसी जी आए थे, वो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, 100 कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रहे हैं, जो रसूखदार मुस्लिम कैंडिडेट रहे थे उनको बीएसपी पहले ही टिकट देती है, तो उनकी कोशिश है दलित प्लस ब्राह्मण प्लस जो रसूखदार मुस्लिम है, खासतौर से ऐसे में जब लग रहा है कि बीएसपी जीत रही है, ऐसे में अगर आपका जो मुस्लिम वोट है वो पहले के दो चुनावों की तरह एक बार फिर से स्प्लिट हो गया तब तो आपकी साइकिल पंचर। सवाल क्या स्प्लिट होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दोनों सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये सवाल है। आप शौचालय के नाते हो, सब बर्बाद हो गए, प्रधान नए आ गए, अब इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, आप देखिए कौन सी सड़क इनकी है, एक्सप्रेस वे बन रही है, पूर्वांचल की एक्सप्रेस वे बन रही है, शानदार कह रहे हैं कि देखिए हमारी सड़क अखिलेश जी की सड़क से बहुत बेहतर है। देखिए ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते, ये मैनिफेस्टो बनाते हैं, इनका मैनिफेस्टो नहीं बनता है, मैनिफेस्टो बनाते हैं, और ये एक्सप्रेस वे इनके नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये समाजवादी शब्द हटा दिया, बोला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारा हो गया। आप मुख्यमंत्री जी हमारे बाद आएंगे, उनसे पूछिएगा कि किसने ज़मीन एक्वायर की है, आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि अलाइनमेंट सरकार में होता है, काम तो अभी चल रहा है ना, काम तो अभी चल रहा है, बनेगा तो उनके राज में, किसने दिया ये, किसने बनाया, किसने शुरुआत की, लैंड एक्विजिशन किसने की? केवल मुख्यमंत्री जी कह रहे महंगा बन रहा था, महंगा नहीं बन रहा था, अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर रहे थे, जिस दिन अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर लिया वो उस दिन महंगाई खत्म हो गई। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए तो समाजवादी था, आज तक सरकार ने अपना फीता ही तो काटा है दूसरी सरकार का,
अभी मिर्जापुर का कार्यक्रम था, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली रोपवे का उद्घाटन हो रहा है। वो रोपवे किसने बनाई? बोले लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले मेट्रो ही नहीं थी। कौन यकीन मान लेगा ये बात का? लखनऊ में मेट्रो वहीं तक जाती है जहां तक समाजवादी सरकार में बनी थी और वहां से वापस आ जाती है। आगे नहीं बढ़ा पाई ये सरकार के लोग। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू हुआ था ये समाजवादी सरकार में हुआ था। और उसका उदाहरण है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड टाइम में बना। इनका जो आउटर रिंग रोड बन रही है लखनऊ की, जाने कितने साल हो गए अभी तक किसान पद नहीं बन पाया। एक सरकार गई दूसरी सरकार आ गई अभी तक किसान पद पूरा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फोर लेन से कितने जोड़े हैं जितने पुरानी सरकार से, आगे नहीं बढ़ा पाए। बताएंगे सीएम आएंगे अपना पूरा आंकलन देंगे वो अपना, पता नहीं क्या बताएंगे वो तो। पर सर चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत अलायंस बने वो काफी जरूरी होता है। अब आप दो बार हाथ जला चुके हैं, एक बार हमने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हाथ जला लिया, इस बार पिछली बार आपने मायावती जी के साथ हाथ जला लिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप अलायंस इतने डर गए हैं कि जब अलायंस आपको फायदा पहुंचा सकता है उस अलायंस से भी आप भाग रहे हैं। क्यों आपने ये तय किया कि इस चुनाव में हम अलायंस नहीं करेंगे? बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। ये आप कह रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे तो नहीं कि अगर जैसे डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो गया तमिलनाडु में कि डीएमके ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी थी लेकिन दे दी, कहीं पर्दे के पीछे आप इसी तरह के अलायंस पर काम तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह का कोई अलायंस पर बातचीत नहीं है लेकिन छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो कांग्रेस को आप छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल मानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोटा दल है। तो हो सकता है उससे मतलब फिर यही हुआ कि छोटे दल से हो सकता लेकिन है? मैंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं बड़े दल, उनसे हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। अलायंस पार्टनर में राहुल गांधी बेहतर थे या मायावती? मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहूंगा। क्यों? वो बात खत्म हो चुकी है, अब चुनाव अगला है। तो अभी आपका अलायंस किस किस से हो सकता है? आप किस किस से? समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस आरएलडी के साथ है। हाँ। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस महान दल से है। समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी का दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और दलों को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जैसे अभी वो चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे, वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है क्योंकि अगर मैं जिताऊं ना जिताऊं मैं हरा भी सकता हूं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो जुड़ जाएं तो आपकी साइकिल को विक्ट्री लाइन के पार पहुंचा देंगे वो। तो जो अभी इस प्रोग्राम में कुछ तय नहीं हो सकता। आप क्या सोच रहे हैं यही बता दीजिए। ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग जान जाएंगे। ये बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। आप चिंतित हैं अपने फोन को लेके कि कहीं फोन के अंदर तो नहीं कोई बैठा है? नहीं, वो जासूसी। सोचिए एक पार्टी जिस पे इतना भरोसा किया हो वो जासूसी कर रही है। क्या जरूरत है जासूसी की? चलो विपक्ष की जासूसी कर लो, अपने नेताओं की जासूसी कर लो। क्या अपने नेताओं की जासूसी नहीं की जा रही उसके माध्यम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। और दुनिया में जिसने जासूसी की उसकी सरकार गई है। ये तो कहते हैं हमने की ही नहीं, हमारा है ही नहीं, नॉन इशू। वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। नहीं, वो महंगाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज ये सवाल है कि नौजवान को नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ अकेले जी तय करके आए हैं कि अपना मेरा ये एजेंडा है, जो भी सवाल आए मैं तो अपने ही एजेंडे पे रहूँगा। जब सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जो नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, क्या आप उससे अलायंस करने को तैयार हैं और आप कितनी सीटें उनके लिए एडजस्ट कर सकते? अभी जिन दलों से बातचीत हो रही है जब तक कोई बात फाइनल ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर बातचीत इनसे चल रही है? बहुत सारे दलों से बातचीत हो रही है और पॉलिटिक्स है, बातचीत तो होगी, स्वाभाविक है। शिवपाल जी आए थे शाम में, उनसे पूछा गया कि क्या आप अखिलेश की मदद, इतना गोल मटोल जलेबी टाइप का जवाब दिया, मुझे समझ ही में नहीं आया कि वो आपके साथ हैं आपके खिलाफ हैं, क्या करेंगे? आपको अब तक समझ में आया क्या करेंगे वो? इसका मतलब ये है कि आपने सवाल पूछ लिया उनसे, जवाब समझ में नहीं आया, इसका मतलब मदद कर रहे हैं वो। अब आप कहीं इसी कन्फ्यूजन में ना मारे जाए ना कि आपको लग रहा है वो मदद कर रहे हैं, असल में वो कर नहीं रहे। क्योंकि उसके अगले ही सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मेरे 100 कैंडिडेट रहेंगे, पार्टी मेरी अलग रहेगी 100 कैंडिडेट। तो फिर समझ में नहीं आया कि अगर 100 कैंडिडेट उनके रहेंगे तो आपके कितने रहेंगे? देखिए उनसे उनके दल उनका भी एक दल है। हाँ। और उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी, उनके साथी जो
समीकरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अगर ठीक होंगे तो विचार किया जाएगा, सरकार बनाए, सम्मान पाए। पोस्ट अलायंस की पहले? नहीं, पहले कितनी सीटें दे देंगे आप? सीट का नहीं बताएंगे, जो परिस्थितियों के हिसाब से उनके कैंडिडेट होंगे तो विचार कर लिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि संगठन के लिहाज से अखिलेश को शिवपाल जैसा एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, कि अगर वो रहते तो अखिलेश जी युवा हैं, प्रचार करते, अच्छा बोलते, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें एक शिवपाल यादव जैसा एक शख्स, आप मानते हैं इस तरह? नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन के जो एक्सपर्ट है, चुनाव जिताते हैं, वैसा एक एक्सपर्ट चाहिए आपको। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पार्टी का कैडर काम कर रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, और चुनाव आएगा देखिएगा आप कि जनता खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो लागू जनता को दिखाया था, आज वो कूड़ेदान में फेंक चुके हैं। आपने चुनाव जिताने वाले एक्सपर्ट्स की बात की, तो क्या आपकी प्रशांत किशोर से बातचीत हुई? वही तो मैंने कहा, आप चाचा की बात करें पर्दे के पीछे, आपने उनकी क्यों नहीं बात की प्रशांत किशोर की? आप ही कर रहे हैं बात, तो मैंने नाम नहीं लिया। मैं ले रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने पीके को न्योता दिया है कि आओ, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी की मदद की, जगन रेड्डी की मदद? अभी किसी को न्योता नहीं दिया मैंने, पर आगे दे सकते हैं। पिछली बार हमारे साथ थे 2017 में, कांग्रेस के साथ थे। ओ, वही उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जैसे वर्ल्ड कप जिताने वाले वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कोच हैं, आपके साथ रहे, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, पर मैं नहीं समझा मैंने, आप क्या उनसे मदद चाहेंगे? आप चाहेंगे कि अभी उस पर कोई फैसला नहीं है। ना, समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ने जाएगी, पर वो खिड़की अभी खुली है कि हो सकता है कि उससे खिड़की से एंट्री हो जाए पीके की। समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर अपने अपनी ताकत से काम करेगा और जिताएगा पार्टी को। अच्छा, ये बताएं कि आपने पिछले 4.5 साल में, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तब आपकी राजनीतिक पारी एक तरीके से गियर में आ रही थी, ये जो उस वक्त में आप विपक्ष में बैठे थे, आपने चीफ मिनिस्टर के काल का आप स्मरण करते हैं, आपको क्या समझा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, दोबारा मौका मिलेगा तो आप सीएम 2.0 में फ़र्क क्या होगा फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में? मैं जब विपक्ष में हूँ तो मैं सोचता हूँ ये सरकार कर क्या रही है, समाजवादियों के काम का ही उद्घाटन कर रही है, समाजवादी पार्टी के काम हुए हैं उन्हीं का फीता काट रही है, और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो जिस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया है पुलिस का, डायल 100, इससे बेहतर काम करके समाजवादी पार्टी काम करके दिखाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया समाजवादी पार्टी ने, एक उदाहरण है, एक एग्जेम्पलरी वर्क है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बना। इसी तरह जो समाजवादी पार्टी ने डिजिटल डिवाइड खत्म किया और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किए, आज वो मेडिकल कॉलेजेस बने जिसमें मुख्यमंत्री जी कोरोना टाइम में गए थे, वो सब समाजवादी पार्टी के थे, जो समाजवादी सरकार में बने थे मेडिकल कॉलेजेस उसी में गए। जिस तरह का बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा, जितने भी थर्मल प्लांट से, सोलर प्लांट से, उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ, जितना ट्रांसमिशन में लाइन में हुआ, एक एग्जाम्पलरी वर्क हुआ समाजवादी सरकार में। तो इस तरह का काम है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकता है। मंडियाँ बन रही थी, वो मंडियाँ बंद कर दी, 3 काले कानून ले आए, मंडियाँ बंद, मंडियों का कोई काम नहीं हो रहा। आखिरकार किसान जाए कहाँ, मिलेगा कहाँ, उसको कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर MSP सरकार दिला पाएगी? सरकार तो बाजार के ऊपर छोड़ दिया किसान को। सरकार तो कह रही है ना कि जो सरकार की खरीद है अनाज की वो भी बढ़ गई है, जिस कीमत पर अनाज को खरीदा जा रहा है वो भी बढ़ गई। उन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं इसको साबित करने के लिए, फार्म बिल आने से पहले और बाद में किसानों को पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार केवल कागज़ पर आंकड़े दिखा रही है, ज़मीन पर नहीं खरीद हुई, ना गेहूँ खरीद हुई, अभी भी गन्ने का बकाया है। सरकार तो कहती है हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती कि अभी बकाया है किसान का। बिजली की दरें महंगी कर दी, सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है? धान की जो कीमत मिलनी चाहिए थी फिजली फसल की, क्या सरकार ने दे पाए? वो कागज़ पे तो ठीक है हिसाब किताब उनका, लेकिन ज़मीन पर किसान को नहीं मिला। और फिर ये तो आय दोगुनी कर रहे थे, किस फसल की आय दोगुनी होगी किसान की? क्या सहूलियत मिली है किसान को? पर क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कोविड के बाद नाराज़गी थी या फिर कृषि कानून को लेकर किसानों की जो नाराज़गी थी, जब तक चुनाव आएगा, अगर फरवरी में चुनाव होता है तब तक BJP नाराज़गी को कंट्रोल कर लेगी, और जो पंचायत के चुनाव में हमने नतीजा देखा जो कि आपके पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में था काफ़ी हद तक, उतनी नाराज़गी तब तक नहीं होगी क्योंकि नाराज़गी खत्म हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा, ये नाराज़गी नहीं ख़त्म होगी।
क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम सरकार ने किया है। आंकड़े कुछ भी बता रहे हो लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या लोग भूल जाएंगे? माँ गंगा को कहा कि हम साफ कर देंगे, कितनी लाशें दिखाई दी बिहार में, जो लाशें थी सब उत्तर प्रदेश की बह के गई थी। क्या गंगा साफ हो गई? क्या यमुना नदी की सफाई कर दी? पानी पीने का जो इंतजाम करना था क्या पानी पीने का इंतजाम कर दिया? क्या सरकार के पास जवाब है इस बात का? आज कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है यूपी। इतना अन्याय। गैंगस्टर डरते हैं उत्तर प्रदेश में आने से, उनको मालूम है कि योगी जी ऊपर पहुंचा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में गैंगस्टर है, गुंडा है, माफिया है, उसका कुछ नहीं होना। मैं तो कहता हूं ना, टॉप 10 सूची जो हो वो जारी करें, क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 क्यों नहीं सूची जारी करते हैं ये सरकार? क्या जिला पंचायत के चुनाव में नहीं देखा कितना अपमानित हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग? कितने अपमानित हुए? क्या आप मानते हैं कि 2022 का चुनाव एक तरीके से राष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए एक सेमीफाइनल है, कि आपकी लड़ाई ही तय करेगी कि इसके बाद 2024 के आम चुनावों से पहले देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है? इसीलिए आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा, यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी तो उन्हें राहत मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं दोनों सरकारों ने क्या मदद की है किसानों की? आप 500 रुपये महीना दे रहे हैं किसान सम्मान राशि, लेकिन किसान की आय क्या बढ़ी है? आपने भरोसा दिलाया कि इन्वेस्टमेंट मीट होगी, बड़े बड़े आयोजन किए, पैसा खर्च किया उन पर, विज्ञापनों में आप पैसा खर्च करने में नंबर वन है। आपने आखिर जमीन पर क्या उतारा है? 4,60,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जमीन पर क्या उतरा? वही समाजवादी सरकार में जो काम हुए वो गिना देते कि सैमसंग हम लेके आए हैं। क्या फाइल नहीं देखी, कागज नहीं देखा किसकी सरकार में ये काम हुआ है? जो समाजवादी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी लाई गई थी उसके तहत तमाम मोबाइल कंपनियों ने यहाँ पर जमीन ली थी, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आपने क्या काम किया? आपकी किस पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है जो आपने बजट में पैसा रखा हो? आपने बजट में कुछ पैसा नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आए नहीं आए तो उनको क्या हम देंगे? आपने सोलर में करवा लिया, न जाने कितने MOU किए सोलर इलेक्ट्रिसिटी में, कितना इन्वेस्टमेंट आया सोलर एनर्जी में। आपने कहा डेयरी का प्रोडक्ट, डेयरी हम बढ़ाएंगे। समाजवादी सरकार में डेयरी प्लांट लगे, यहां पर 2 अमूल के प्लांट लगे, एक मदर डेयरी का लगा, 15 लाख पर डे प्रोक्योरमेंट मिल्क का हुआ। लेकिन बिल कहां से आ रहा है? अमूल में मिल्क आ रहा है गुजरात से। क्या हमारे किसानों का मिल्क नहीं खरीद सकते ये? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक मिनट बाहर निकलते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अभी जो कोशिश ये चल रही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं, राहुल गांधी ने सबको नाश्ते पे बुलाया, साथ ही साथ हमने देखा कि ममता बनर्जी दिल्ली आई, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें। आपको लग रहा है कि इस तरह के फॉर्मूले को आप भी अपना बल देना चाहें? देखिए, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, फ्लोर की पॉलिटिक्स है। फ्लोर पे जिन इश्यूज़ पे बात करनी है वो पॉलिटिक्स है। तो फ्लोर पे कई बार दलों को साथ लाया जाता है क्योंकि उन मुद्दों पे बहस होनी है। सरकार तैयार नहीं है, सरकार स्वीकार नहीं कर रही किसी बात को लेकर के, लेकिन जो ज़मीन की पॉलिटिक्स है वो अलग है। आने वाले समय में किस तरह से गठबंधन बनेगा वो अलग है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 trillion की इकॉनमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होंगे सारे सवाल होंगे उनसे, आप उनसे पूछिए $1 trillion इकॉनमी कब होगी उत्तर प्रदेश की। होंगे सर, होंगे सवाल, तमाम तरह के सवाल होंगे। आप 400 ऐसे क्यूटो कब बनेगा? बनारस बन रहा है, काशी विश्वनाथ का जो पूरा परिसर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता क्यूटो
और वो कॉरिडोर जो पास हुआ था समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में पास हुआ था। पर काम तो अब हो रहा है सर, ये तो आप मानेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी लोग काम रोकते थे। गंगा साफ क्यों नहीं हुई? गंगा माँ के लिए कहा गया गंगा साफ हो जाएंगी, यमुना कितनी गंदी है। सर वो कहेंगे ना थोड़ा टाइम तो दीजिए, सारा कितना टाइम चाहिए आपको? वो कहना अगली बार आएंगे बना देंगे। दिल्ली सरकार के यूपी के 4.5 साल और जो सबसे बेहतरीन काम हुआ था आपके इसी जगह के बगल में गोमती रिवर फ्रंट, उससे नाराजगी आपको? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने बहुत भ्रष्टाचार किया, बड़े बड़े फुहारे लेके आए, बहुत पैसा कमाया आपने। तो हमने समाजवादियों ने एक मॉल बनाया था यहाँ पर बहुत अच्छा, सरकार आती 3 महीने में बेच दिया आपने उसको। 1000 करोड़ की चीज 450 करोड़ में बेच दी, क्या उसकी उसके उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि करप्शन हुआ है इसमें, और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात, तो उसमें जांच नहीं होगी क्या? और रिवर फ्रंट में जांच कर रहे हैं आप, ये सबसे अच्छा काम हुआ। और जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसकी जांच नहीं होगी क्या? कल उसकी भी जांच होगी कि जिन लोगों ने रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है और पब्लिक मनी को बर्बाद किया है उनकी भी जांच होगी कि आखिरकार पब्लिक मनी का बर्बादी क्यों हुई है। क्यों नहीं जांच होगी उनकी? आप ये मतलब खुंदक में बैठे हैं कि अगर मौका लगा तो देखो। नहीं खुंदक नहीं है भाई, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं भाई, आपने अपने जैसा बना दिया हमें कि डीएम एसडीएम एसपी लगाइए जो चाहो सो करवाइए। आप डीएम एसपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दी जाती है इनको एकेडमीज में कि गुलामी करो सरकार की। अच्छा आप एक ट्रांसफर के लिए पैसा लेन देन कर रहे हो आप, और क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दोगे तो तुम्हें हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। ये सब तो आपके यहाँ भी होता था सर। नहीं ये नहीं होता था, ये गलत बात है। अगर ये होता तो शायद हमारे सामने फाइल मुख्यमंत्री जी की आई थी, जो मुकदमा इन्होंने वापस लिया उसका। समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसे काम नहीं किया। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। चित्रा आपसे सवाल करना चाहती हैं। चित्रा मेरा दो सवाल आपसे है। पहला ये कि 400 सीटें जब आपको आ रही हैं तो ये 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी? लोकतंत्र मजबूर रहे विपक्ष के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मायावती जी प्रियंका गांधी ये लोग आपस में तय करें कि उनका मुकाबला मुझसे यानी समाजवादी पार्टी से है या फिर बीजेपी से, इसका सीधा मतलब ये निकाला गया है कि आप उनके साथ गठबंधन के रास्ते खोलकर रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर बार बार आप दूसरी बातें कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया, उनके दल का ये फैसला था कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे जिसको आप वोट दे दीजिए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है। नेहा आपसे सवाल पूछना चाहती है। नेहा अखिलेश जी, क्योंकि मैं शिवपाल जी से बात कर रही थी तो कई मायनों में आपने सही भी कहा कि अगर वो गोलमोल जलेबी जैसा घुमा रहे हैं तो मतलब साथ ही हैं, लेकिन एक बहुत नाराजगी उन्होंने व्यक्त की कि आप समय नहीं देते हैं, तो बतौर चाचा वो ये बोल रहे थे कि बतौर राजनेता बोल रहे थे, पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे थे? क्योंकि उनका दल है, दल हमारे साथ आ रहा है, इसलिए भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन फ़ोन पर बात हो जाएगी। हो जाएगी या होती रहती है? नहीं हो जाएगी फ़ोन पर बात। सर ये जो बात हुई ना, अभी इसलिए नहीं मिलना ठीक है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर देते हैं। नहीं मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, अगर भ्रष्टाचार नीचे हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं मैं बिल्कुल, क्योंकि चाचा की बातें क्यों नहीं सुनूंगा मैं। नहीं पर ये जो बात हुई ना कि अखिलेश एक्सेसिबल नहीं है, ये बड़ी चर्चा होती है। मुझसे ज्यादा कौन मिल रहा है? मुझसे कोरोना काल में सर आप कहां पे थे? आप मतलब विपक्ष निकलता सड़कों में। मैं इसलिए नहीं मिल रहा हूं क्योंकि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। आप मानते हैं होशियार पार्टी है? बहुत साजिश करते हैं बीजेपी के लोग। मुझे तो याद है कि एक हमारे साथ प्रेस में बैठे थे, हमारे साथ गठबंधन हो गया, रात को वो दूसरे दल में चले गए। तो इसलिए बहुत सावधान हूँ इस बार मैं। तो इसीलिए तय किया कि किसी से मिलना नहीं, बाहर निकलनी, थोड़ी सी साइकिल चलाई तो हो रही है बहुत लोगों से बात। पर सर मैं जैसे विपक्ष का नेता अगर हम तुलना करते हैं तो ममता बनर्जी से आप तुलना कीजिए, उनकी टांग टूटी हुई थी, व्हीलचेयर पे घूम रही थी पूरे राज्य में सुबह से लेकर शाम तक, आपने लखनऊ में साइकिल चलाई 2 घंटे चलाई फिर घर चले गए। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं, आपको तो एकदम लड़के दंगल करना होगा ना, ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है,
हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस सरकार को हटाने के लिए और जनता तैयार है इस बात के लिए। हमें अपने काम का प्रमाण नहीं देना है। और जहां तक मेहनत की सब बात है तो समाजवादियों से अच्छी मेहनत कोई नहीं कर सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसने मुकाबला किया सरकार का और डीएमएसपी का, पुलिस का? समाजवादियों ने मुकाबला किया। तो उसमें आपने कहा बहुत सक्रिय कैंपेनिंग की, फिर भी किसने मुकाबला नहीं किया? जितना एफर्ट आपने, अगर आप देखा जाए, आप ये तो एक तरीके से जनता ने जिता दिया आपको, आपने पूरा एफर्ट कहां किया उस चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की और ये कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रशासन का इस्तेमाल पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आप जानकारी करिए इस बात की। तो फिर नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? आप तो कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और पता नहीं कालाधन कहां से लाए बीजेपी के लोग, जो जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को बदलते रहे। परिणाम हमारे यहां पता करिए, जिला पंचायत सदस्य को कितने पैसे दिए गए? 50-50 लाख दिए जा रहे हैं। बताइए आप, ऐसे चुनाव होगा? आपको लगता है ऑपोजिशन स्प्लिट होने से, बटे होने से बीजेपी को फायदा, क्योंकि अगर आप और बीएसपी एकजुट होकर लड़ते तो विपक्ष बड़ा मजबूत होता, ये स्प्लिट होने से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत फायदा है? बीजेपी को चिंता क्यों है कि विपक्ष एक हो जाए? बीजेपी को क्यों चिंता है? नहीं, वो तो नहीं, हमारी रणनीति है कि सब लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं लड़े सब दल लड़ेंगे इसमें चुनाव में? पर एक जो बात सपा की आज की राजनीति के बारे में कही जाती है वो ये कि जब आपके पिताजी इंचार्ज थे तो यादव और मुस्लिम के बाहर भी जो जातियां हैं, जो बैकवर्ड कास्ट से उनके नेता थे, और न केवल नेता थे बल्कि उनका भी वोट जुड़ता रहता था आपके साथ, ये आपको विरासत में मिला। आप पर यह आरोप लगता है कि जो एक्स्ट्रा वोट आपको छोटी छोटी जातियों के मिलते थे आपने वो गवा दिया, वो सारा एक मुश्त बीजेपी के पास चला गया। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे जो गया वोट है, जो पिछड़ा वोट, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी और खासकर मुस्लिम भाई, जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यही नहीं केवल ब्राह्मण समाज के साथ कितना अपमान हुआ है, उन्हें भी अपमानित होना पड़ा। इसलिए जो धोखा दिया था जिन जाति बिरादरियों को, इसीलिए मंत्री बनाना पड़ रहा है। आप बताइए मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या मंत्री समाज के उन सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या ये मंत्री बन गए क्या जाति जनगणना हो जाएगी? आज पिछड़ों की सबसे बड़ी मांग है, दलितों की सबसे बड़ी मांग है कि जाति क्यों ना हो जनगणना, कास्ट सेंसस क्यों डर रही है बीजेपी? कास्ट सेंसस पर कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे याद है वो समय जब लोकसभा में नेताजी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सब जाकर के मिले थे कांग्रेस लीडरशिप से, और उन्होंने स्वीकार किया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस के हाँ जाति जनगणना होगी। पैसा खर्च हुआ, क्यों आंकड़े बाहर नहीं आ रहे? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े अति पिछड़े ये बात नहीं जान रहे? ये सरकार क्यों घबरा रही है? ये सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास। हम ये कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लो और जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उनको सम्मान दे दीजिए। आप उनका हक क्यों छीन रहे हैं? आप भी बीएसपी की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, बीएसपी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सोशलिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा बोल रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ हैं कुमार अभिषेक, वो सवाल करना चाहते हैं। कुमार, अखिलेश जी, आप ऐसा लग रहा है कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अयोध्या में कहा कि मैं मंदिर बनने के बाद परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। एक सवाल ये कि क्या सचमुच आप वो टैग हटाना चाहते हैं जो आपकी पार्टी के साथ सालों से कैरी हो रहा है, और क्या सचमुच आप जा रहे हैं 2023 में जो बीजेपी कह रही है कि वो मंदिर दर्शन शुरुआत कर दी? पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम हैं। वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहाँ तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में देखाइए, हमारा जन्म तो अभी हुआ है मान लीजिए, जब कभी हुआ, हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं। तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू? इतने लोगों को मार दिया, जिंदा मर गए, लाशें बह रही थी गंगा में, क्या हिंदू होने पर शर्म नहीं आती बीजेपी को?
हिंदू दल कह रहे हैं, और बताओ जलाए, बॉडी जली नहीं, दफना दिया गया। क्या जवाब दिया सरकार ने? इससे बड़ा झूठ सरकार नहीं बोल सकती। कहती कि वो उन लोगों की परंपरा ये है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं जानते जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डेड बॉडी, लाश गंगा में नहीं बह सकती है। आपने क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं दे दिया आदेश? क्या कहते हैं, हाँ वो परंपरा थी। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और लाश जब जल नहीं थी, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार, कहा कि हम फ्री लकड़ी देंगे, लकड़ी कहाँ दी इन्होंने? और जब ज्यादा बॉडी जल नहीं थी, यही जगह है बगल में जहां टीन शेड लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ होगा कि लोग शमशान में मर गए फिर घर गए, ऐसा कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ भ्रष्टाचार, जहां पे लोग मर गए शमशान घाट में फिर घर गए और फिर आए शमशान में? ये वही दल है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। लोग नहीं समझ पाए उस समय, आज समझ गए हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिए, 23 में ये कह रहे हैं कि मंदिर बना देंगे, दर्शन करा देंगे, तो आप जाएंगे? सवाल, हमारी संस्कृति में कभी चंदा नहीं था, आखिरकार चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं लोग? और फिर जमीन का घोटाला कौन भूल जाएगा? वहां पे किसानों की जमीन छीन रहे हैं। मेरे पास लोग आए थे जो किसान गरीब हैं, जिनकी जमीनें ले रही सरकार। मैंने कहा इतने पुण्य काम के लिए एक भी किसान खिलाफ नहीं है। भगवान राम का मंदिर बने और अच्छा बने, कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या उनकी जमीन आप सस्ती छीन लोगे? आप इस पुण्य काम के लिए 6 गुना क्यों नहीं देते मुआवजा? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है 6 गुना मुआवजा उस जमीन के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी, सरकारी रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा उन किसानों को देगी, समाजवादी पार्टी देगी। और मैं उन किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग काम रोकने वाले नहीं है, काम जल्दी करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गुना रही? किसने रोका इनको? ये वोट लेना चाहते हैं। काम क्या किया है अयोध्या फैजाबाद में? आप वहां पे तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? टाइम लगता है ना सर। अरे टाइम 4.5 साल गुजार दिया बातों में, नहीं फोटो लगाने में गुजार दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट का तो अभी फैसला आया, उसके बाद कोरोना काल आ गया, वो कह रहे हैं कि 2023 तक बहुत हो जाएगा, 2025 तक हम कंप्लीट। लेकिन ये बताइए, जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 16-18 करोड़ की कैसे ले ली? इसका भी तो हिसाब दे दो। और फिर रजिस्ट्री नहीं दे सकते आप कोई? जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वहां पर वो कोई नहीं देख सकता। क्या आप भगवान राम के उस काम में आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं? दूसरों पे CBI, ED, इनकम टैक्स, दूसरों के लिए सब कुछ है संस्थाएं आपके पास, जो खुलेआम जनता ने देख लिया कि 2 करोड़ की चीज कितने करोड़ में खरीद लिया आपने। और फिर किसानों को क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं आप? सर्कुलेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपके कौन सी कमी है पैसे की? पर ये जो बात होती है कि एक मतलब विपक्ष के ही कुछ लोगों को लगता है कि शायद अखिलेश उस तरीके से नहीं जूझ रहे, उस तरह से नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनको भी डर है कि भाई हमारे ऊपर भी लोग ED CBI। हम डरने वालों में से नहीं है, हम इस क्लब में बहुत पहले कांग्रेस क्लब में लाई थी हमें। देखिए कांग्रेस इस क्लब में लाई थी, CBI क्लब में। कौन खतरनाक है एजेंसी यूज करने में, कांग्रेस की BJP? दोनों एक हैं। बराबर है या कोई एक आगे? दोनों बराबर हैं। कांग्रेस भी डराती थी अपने जमाने में, ये भी डरा रहे हैं, ये भी CBI, ED और इनका। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों डरने वाला उनमें से। आपने सैफई का जिक्र किया, उससे BJP का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सैफई ही सबूत है कि हमारी सरकार और सपा की सरकार में क्या फर्क था। पहले वो VVIP कंस्टिट्यूएंसी थी, सारी चीज़ें सैफाई में जाती थी, बिजली वहाँ पे आती थी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे ज़्यादा पावर कट होता था यहाँ पे नहीं होता। तो कहते हमने बराबर कर दिया, अब जैसा भी है जितना भी है हमने सबको बराबर हमने स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे नहीं आती थी उस समय। आज लालजी टंडन जी नहीं रहे, हमारे बीच नहीं है वो, और श्याम राव चौधरी जी जो बहुत बुजुर्ग विधायक थे वो आए थे मेरे पास, भूख हड़ताल पे बैठे थे। जब भूख हड़ताल पे बैठे मैंने उन्हें बुलाया, क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, आप बिजली 24 घंटे कर दो। मैंने उसी दिन उन दोनों लोगों के कहने से प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी। और जो आज बता रहे हैं कि हम 24 घंटे शहर को, मंडल को और किस तरीके से तहसील में दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने फीडर सेपरेशन किया, ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर किया, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम को बेहतर किया, और जितनी भी बिजली आज सप्लाई हो रही है सब कुछ उत्पादन समाजवादी सरकार में बढ़ा। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश का कोटा बिजली का कितना बढ़ा है आप मुख्यमंत्री से पूछिएगा।
क्योंकि उस समय मैंने ये कहा था कि आप बिजली का कोटा बढ़वा दीजिए दिल्ली से। क्या बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा? और क्या इन्होंने एक भी प्लांट बिजली का नहीं लगाया क्या यहाँ पर? कौन सा बिजली का प्लांट लगाया यहाँ पर बताया उत्तर प्रदेश में? ये जो लग रहे थे उसका भी काम स्लो कर दिया, और अगर वो प्लांट लग गए होते तो आज किसानों को हम सस्ती बिजली दे देते और बहुत सारे गरीबों को हम कहीं ना कहीं राहत पहुंचा देते। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, किसानों को राहत देंगे बिजली की और गरीबों को भी बिजली की राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश जी, आखिर में ये बताएं कि अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? क्या आपको लग रहा है कि सपा लड़ने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए? आपका मापदंड कैसे नापोगे ये बताइए पहले, फिर मैं बताता हूँ उसका। नहीं, वो आप बताइए, आपके जो इंटरनल सर्वे आ रहे हैं। परसेंटेज में बताऊं कि क्यों, वैसे ही बता दूं। अब ये बात ना बोलिए कि 403 में से 400, मतलब सही सही बात नहीं होगा, वो आप हंस रहे हो, जनता कोई मानेगा ही नहीं। कोई सीरियस बात बोलिए, अगर आप दोबारा सीएम बनना चाहते हैं तो क्यों आपको लग रहा है कि इस दफा वाकई में, क्योंकि 2014 में भी 2017 में भी वाराणसी में मैं आया था, भीड़ तो बहुत आई थी लेकिन सीटें नहीं आई, क्योंकि बीजेपी दो चीज़ें हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर का फैक्टर है सेंटर पे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का फैक्टर है। क्या आपकी ताकत इतनी बन पाएगी कि आप योगी मोदी के कॉम्बिनेशन को हरा पाए? देखिए, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, और कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने एक को भेजा है यहाँ पर कि ये मंत्री बन जाए, वो दर दर भटके इतने अनुभवी लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कहें कि उनको मंत्री बना दो तो शायद जोड़ी जमेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल जोड़ी की आप कह रहे हो, इनके पास डीजल पेट्रोल महंगा हो गया उसका जवाब क्या है? किसान का आज भी हजारों करोड़, 14,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया, उसका जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, उसका जवाब क्या है इनके पास? किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसका जवाब क्या है इनके पास? कुछ जवाब है इनके पास? आज भी जो काम और उद्घाटन हो रहे हैं वो समाजवादियों के हो रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने काम किए थे, ये वो काम बताएं हमें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया हो। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे होंगे, उनसे पूछिएगा कि आपने कोई काम ऐसा बताइए किया हो जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन कर रहे हो आप, एक काम बता दें हमें। वो कह रहे हैं अगली बार आएंगे तो बहुत सारा हमारा ही सारा उद्घाटन होगा। नहीं, 5 साल में 4.5 साल हो गए और 5 साल होने वाले हैं, कोई एक काम तो बताएं जिसका शिलान्यास किया हो, शुरुआत की हो, उद्घाटन करने का भी मौका मिला हो, वो काम बताएं हमें। अभी तक तो समाजवादियों के काम के रंग बदल रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं उसका, और पहले मुख्यमंत्री हैं जो उद्घाटन कर रहे हैं, और उन्होंने अपने ही काम से प्रधानमंत्री जी को भी फंसा दिया, शिलान्यास करवा दिया प्रधानमंत्री से। सोचिए कितने होशियार हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, दोबारा शिलान्यास करवा दिया प्रधानमंत्री जी से, चुनाव से पहले रेडी भी करा देंगे। आपने तमाम सवाल पूछे हैं, अब हम चीफ मिनिस्टर से उन सवालों के जवाब लेने वाले हैं। एक तरीके से आए आए आपने विपक्ष का एजेंडा सेट करने की कोशिश की, लंबा चुनाव है उस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। अखिलेश यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इस पंचायत आज तक के कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।